हरे कृष्णा। हम आए दिन देखते हैं कि आचार्य प्रशांत को किसी न किसी से प्रॉब्लम रहती है, वो किसी न किसी की निंदा करते हैं। अब उनको कृष्ण भक्तों के नाचने से भी प्रॉब्लम है। पहले देखते हैं उन्होंने क्या कहा है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन जितने कृष्णपंथी हैं वो आपको नाचते गाते मिलते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। बार बार पूछता हूँ, अर्जुन को नचा रहे थे वो? अर्जुन को बोला था, अर्जुन छोड़ ये सब कुछ, तू बाल मुड़ा ले, चुंदई धारण कर ले और नाचना शुरू कर दे, ये बोला अर्जुन को? मैं कहा कि तुम अगर कृष्ण को मानते हो तो तुम्हें तो बड़े सक्रिय घोर संघर्ष में नजर आना चाहिए, उसके लिए तुम बस एक काम करते हो, नाचते हो। ये तुम कौन से कृष्ण को मानते हो भाई? कृष्ण का संदेश तो घोर संघर्ष का है, और आज के युग में तो संघर्ष बहुत बहुत जरूरी है। इतनी सारी राक्षसी ताकतें खड़ी हुई हैं, इनसे तो लड़ भिड़ मरना है, इनसे तो, इनसे भिड़ने की जगह तुम बैठे हुए हो और गाने गा रहे हो। तो पहले मैं ये चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस वीडियो का पर्पज़ उनकी बुराई करना या उनकी निंदा करना नहीं है, बल्कि जो प्रश्न उन्होंने हमारे ऊपर उठाए हैं सिर्फ उसका जवाब देना है। और आचार्य प्रशांत जी कई सारे अच्छे काम भी कर रहे हैं, जैसे वो आजकल के यूथ को नॉनवेज छोड़कर शाकाहार यानी कि वेजिटेरियन फूड अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मैं उनका बहुत समर्थन करता हूँ इस बात पर। और कहीं ना कहीं वो यूथ को प्रेरित कर रहे हैं कि वो अपनी डेली मर्रा की जिंदगी से ऊपर उठकर भी कुछ सोचें, वरना लोग खाए पिए, टीवी देखा, इंजॉय किया, सो गए। लेकिन लाइफ का पर्पस क्या है, गोल क्या है, उद्देश्य क्या है? कहीं ना कहीं वो यूथ को प्रेरित कर रहे हैं कि वो उस बारे में भी विचार करें, तो इस चीज में भी मैं उनका समर्थन करता हूं। अब बात आते हैं नाचने के ऊपर। आचार्य प्रशांत जी के कमेंट सुनकर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनको भक्ति योग के बारे में पूरी क्लैरिटी नहीं है कि भक्ति योग कैसे करा जाता है, क्योंकि अगर नाचने से प्रॉब्लम है फिर तो मीरा भाई भी प्रॉब्लम है, वो भी गलत हो गई। फिर तो जो भगवान शिव है जिनका एक नाम ही नटराज है, नटराज मतलब किंग ऑफ डांसर्स, तो वो भी गलत हो गए। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 29 से 33वें अध्याय के बीच में कितने सारे भक्तों के बारे में, गोपियों के बारे में बताया है जो भगवान के प्रेम में, उनके विरह में, उनके आनंद में किस तरीके से नाच रही हैं, तो वो भी गलत हो गई। लॉर्ड ब्रह्मा अपनी ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के 56वें श्लोक में बोलते हैं कि जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वहाँ पे हर एक शब्द जो है वो संगीत के समान है, वहाँ पे हर एक कदम जो है वो नृत्य के समान है। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड तो ऐसा है, वहाँ तो सब नाचते गाते ही रहते हैं। आत्मा का स्वभाव ही आनंद, सत चित आनंद, आत्मा जो है वो आनंद की बनी है, वो आनंद चाहती है। जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं, जो कलयुग में भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं, उन्होंने दोनों हाथ उठाकर नाच नाच कर लोगों को दिखाया था कि कलयुग में भक्ति कैसे करी जा सकती है। आप हमारे किसी भी इस्कॉन मंदिर में जाएंगे, वहाँ पे आपको गौर निताई की यानी कि गौरंगा महाप्रभु, चेतना महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, उनकी ड्यूटीज आपको दिखाई देंगी। दोनों के हाथ ऊपर खड़े हुए हैं, वो नाचने की मुद्रा में हैं। अगर आप चेतना महाप्रभु को नहीं जानते हैं, आप गूगल कर सकते हैं, मैं अभी यहाँ पे डिटेल में नहीं जाऊँगा। पॉइंट मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि भगवान स्वयं बता रहे हैं कि कलयुग में भक्ति करने का क्या तरीका है। कलयुग धर्म हरिनाम संकीर्तन, जो कलयुग का धर्म है वो हरिनाम संकीर्तन है। भगवान के लिए गीत गाना, उनका कीर्तन करना, उनके कीर्तन पे नाचना, यही इस युग का धर्म है। और हम देखते हैं कि भगवान के साथ जो बड़े बड़े उनके पार्षद रहे हैं, रूपा गोस्वामी, जीवा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, नित्यानंद प्रभु, शिवाश ठाकुर और कितने अनंत जो पार्षद हैं, ये किस तरीके से नाच नाच कर भगवान के विरह में, उनके प्रेम में, उनके आनंद में नाचे हैं। और इस्कॉन जो है उसी गौड़ीय वैष्णव परम्परा में चला आ रहा है, इसलिए इस्कॉन में भी ये परम्परा है कि हम भी भगवान के प्रेम में जो है, उनके आनंद में जो है, नाचते हैं। बड़ा दुख होता है देख के कि आपकी इतनी बड़ी फॉलोइंग है, आप बिना कुछ सोचे जो नेट पे जाके कुछ भी बोल देते हैं। आपको अंदाजा नहीं है कि आपकी बात से कितने लोगों के मन में गलत फहमी जा रही है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है। थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर और समझते हैं कि नाचने से होता क्या है, नाचना क्यों है। हमारा जो मन है और हमारा जो शरीर है, ये आपस में दोनों कनेक्टेड हैं। अगर मान लो कि मैं आपके मुँह के ऊपर यूँ लात करके बैठ जाऊँ और मैं बोलूँ कि मन में मैं आपके लिए बहुत आदर भाव है मेरे मन में, तो क्या संभव है? मैं कोशिश करूंगा तो भी आदर भाव नहीं आ पाएगा, क्योंकि मेरी पैर, मेरा जो पैर है वो आपके मुंह के ऊपर है, वो भाव नहीं आ पाएगा, क्योंकि जो शरीर है और जो मन है ये आपस में कनेक्टेड हैं। अगर मैं आदर भाव रखना चाहता हूं तो मैं आपके आगे हाथ जोड़ूंगा, झुकूंगा, आपको प्रणाम करूंगा, तभी वो आदर भाव मेरे मन में भी आएगा। इसीलिए जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, अगर हम मन में उनसे बहुत प्रेम करना चाहते हैं, बहुत आनंद में रहना चाहते हैं, तो अपने आप शरीर उठ के नाचना शुरू कर देता है, क्योंकि मन में ऐसा भाव आ रहा है। इसलिए आप देखिए, जो भी भगवान के बड़े बड़े भक्त हुए हैं, चाहे वो मीराबाई हो, सूरदास हो, तुलसीदास जी हों, तुकाराम जी हों, हाँ, और जैसे चैतन्य महाप्रभु हैं, कितने सारे गोस्वामीज हैं, निम्बार्काचार्य हैं, ये सारे भक्त भगवान के प्रेम में नाचे हैं।
घंटों घंटों नाचे हैं, कहीं कहीं दिनों तक नाचे हैं। राधानाथ स्वामी महाराज बोलते हैं कि जब हम भगवान के प्रेम में नाचते हैं ना, हमारे शरीर का एक एक एटम जो है वो भगवान की सेवा में होता है, क्योंकि मुंह से कीर्तन कर रहे हैं, मन में भगवान कृष्ण बसे हैं और पूरा शरीर जो है भगवान के लिए नाच रहा है। हमारा पूरा अस्तित्व जो है वो भगवान की सेवा में है, भगवान के आनंद में है। और यही कारण है कि ISKCON जो है पूरी दुनिया में 125 कंट्री से ज़्यादा में आज ISKCON के मंदिर हैं, लाखों लाखों भक्त हैं अलग अलग देशों के, अलग अलग कल्चर के, लेकिन जब वो भगवान कृष्ण से प्रेम महसूस करते हैं, उनका कीर्तन करते हैं, नाचते हैं, उस प्रेम में आकर वो अपने आप को भगवान कृष्ण के लिए समर्पित कर देते हैं। आप सोचिए कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है ISKCON का, वो भगवान कृष्ण की उनकी शिक्षाओं को उनके प्रेम को लेकर पूरी दुनिया में गया है। और उसके बाद आपने बहुत आसानी से कह दिया कि तुम सिर्फ एक काम करते हो कि नाचते हो, सिर्फ एक काम करते हैं। आप हमारे मंदिर आके देखे, सुबह शाम भागवतम की और श्रीमद् भगवद गीता की क्लासेस होती हैं, दुनिया भर के सेमिनार होते हैं, डिस्कोर्सेज होते हैं और सब फ्री होते हैं, प्रसाद अलग से दिया जाता है। आप क्या करते हैं? आपकी वेबसाइट पर जाके देखा मैंने, भगवद गीता का कोर्स भी आप 5,000 रुपये में बेच रहे हैं, दुनिया भर के कोर्सेज सब पैसों में लेके बेच रहे हैं आप। बड़ी आसानी से आपने बोल दिया कि आप सिर्फ नाचते हैं। आपको अंदाजा है कि ISKCON का सोशल सर्विसेज में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है? आप सर्च कीजिए फूड फॉर लाइफ का जो प्रोजेक्ट है, अक्षय पात्रा का जो प्रोजेक्ट है, 4 मिलियन से ज़्यादा बच्चों को, गरीब बच्चों को डेली जो है प्रसाद खिलाया जाता है। मजाक है क्या? कोरोना वायरस में 7 करोड़ से ज़्यादा सिर्फ ISKCON दिल्ली के जो डिवोटीज हैं उन्होंने प्रसाद बांटा है लोगों के घर घर जाकर। जब सब लोग अपने घर में बैठे हुए थे कि कहीं हम बाहर निकलेंगे हमें कोरोना ना हो जाए, उस दौरान वो बाजार से इतना सोचो सामान इंग्रेडिएंट्स लाना, प्रसाद बनाना, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, कितनी बड़ी सेवा है। आपकी क्या सेवा है? मैं गूगल पर सर्च कर रहा था, मुझे कुछ खास मिला नहीं आपकी कि आप क्या सोशल सर्विसेज में आपका क्या कंट्रीब्यूशन है, और आप हमको बोल रहे हो कि हम सिर्फ नाचते हैं। अभी जो यूक्रेन में वॉर चल रहा था वहाँ पे डिवोटीज प्रसाद बांट रहे हैं लोगों को, बेघर लोगों को, वो भी जाके छुप सकते थे, मर गए बेचारे डिवोटी, मिसाइल आके गिरी रशिया की, उसमें डेथ हो गई उनकी डिवोटीज की। हाँ, प्रसाद उतार रहे थे वो लोग ट्रक से। ये कंट्रीब्यूशन है, खाली नाच नहीं रहे हैं, समाज सेवा में भी सबसे आगे खड़े हैं। आप घोर संघर्ष की बात कर रहे हैं, क्या संघर्ष कर रहे हैं आप? अगर माइक लेकर सिर्फ सबकी निंदा करना, सब साधु संतों को, सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स को, सब भगवान के भक्तों को, सबको गलत बताना, अगर ये आपका संघर्ष है तो ऐसा संघर्ष ना हमने पहले कभी किया है, ना आज कर रहे हैं, ना ही आगे कभी करेंगे। आचार्य प्रशांत जी, आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि हिंदुओं को जोड़ने का काम कीजिए, उनको तोड़ने का काम मत कीजिए। आपकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है, आप बोलते हैं तो लोगों को फ़र्क पड़ता है। आप प्लीज़ रिसर्च करके बोलिए, सोच समझ के बोलिए, ऐसे हवा हवाई बातें मत कीजिए, बिना बात के लोगों की और भक्तों की निंदा मत कीजिए। मैं भगवान से बहुत प्रार्थना करता हूँ कि आपको सद्बुद्धि दें, आपको स्वस्थ रखें। हरे कृष्णा।